आज हम और डीजी साहब दोनों आए हुए हैं यहाँ पर और इसके समीक्षा करने के लिए और एक दौरा करके जो भी तैयारियाँ हुई हैं उसके संबंध में चर्चा करने के लिए। और मुझे लगता है अभी जो जितना हमने देखा है जो सिविल वर्क्स हैं ज़्यादातर कंप्लीट हो गए हैं और जो मैन पावर का डिप्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी हद तक हो गया है। कुंभ में इस बार ये ऐसा कुंभ होगा जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ होगा। कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हैं क्या कुंभ कुंभ में? हाँ निश्चित रूप से, ये प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार 21, 22, 23 तारीख को जनवरी में वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस रखा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और नेपाल के ये दोनों लोग वहाँ आएंगे और हम उन्हें प्रयास करेंगे यहाँ लाने का। सर, कुंभ के प्रचार के लिए क्या किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है क्या, खासकर अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में तो नहीं है, मगर कुंभ अपने में एक ब्रांड है और मुझे नहीं लगता कि कुंभ को किसी ब्रांड एम्बेसडर की आवश्यकता है। सरकार कुंभ का? अपने में एक, आज से नहीं सदियों से, इस राष्ट्र की संस्कृति का एक प्रतिबिंब है। अच्छा, केंद्र और राज्य सरकार लगातार न्योता दे रही है सभी को आने के लिए। अमिताभ बच्चन इसी शहर के हैं और वो एक भी कह जाते हैं एक तरह से मिलेनियर स्टार भी हैं, नहीं नहीं क्या उनको भी हम बुलाने की कोई तैयारी है? ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्ति ना आए। हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग आए यहाँ पर। और कुंभ में यहाँ क्या है, हिंदुस्तान क्या, हम तो विदेश से भी तमाम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस में बताया है, इसी प्रकार सभी प्रदेशों में सभी जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहाँ से सब लोग आए। अच्छा, एक पहले पहले ये होता था कि कुंभ से एक एडवाइजरी जारी होती थी कि VIP ना है, एक देश में कम से कम ना है। हाँ, ये अभी भी अभी है, अभी भी यही है, अभी कर भी तो यही रहे रहेगा, हैं वो। यही रहेगा। जब भी कोई बाहर के से लोग आएंगे, VIPs आएंगे, तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो स्नान के दिवस हैं मुख्य दिवस, उसमें ना आए, उसके स्थान पे दूसरे सर। अच्छा, बट के लिए सीएम साहब कब आ रहे हैं, कब के कार्यक्रम उनका लगा है? सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब 10 तारीख को आएंगे अभी। अब ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मगर प्रधानमंत्री जी के भी आने की कोई जानकारी हो रही है किसमें, वो मैं अभी चेक करके बताऊंगा अभी।